गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हमें परमिटेशंस के कुछ और क्वेश्चंस करने हैं। लास्ट टाइम में हमने कहा था टोटल नंबर ऑफ परमिटेशंस व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, या अगर हमारे पास एन ऑब्जेक्ट्स है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है और उसमें से आर ऑब्जेक्ट्स हम अरेंज करते हैं, दैट इज गिवन बाय NPR। लेकिन आज थोड़ा सा सिचुएशन हम अलग लेते हैं। अगर हमारे पास एन ऑब्जेक्ट्स है और इसमें है टी ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम काइंड, टी ऑब्जेक्ट्स है सेम काइंड की, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज एन, देर आर टी ऑब्जेक्ट्स विच आर ऑफ द सेम काइंड एंड द रेस्ट आर डिफरेंट, देन द नंबर ऑफ परमिटेशंस किसके बराबर होता है, दैट इज एन फैक्टोरियल बाय टी फैक्टोरियल। अगर हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें 3 ऑब्जेक्ट्स एक ही टाइप के हैं, तो इसके नंबर ऑफ परमिटेशंस बनेगा 10 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। और इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं। जनरलाइज क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास एन ऑब्जेक्ट्स है, इसमें बहुत सारे टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स हैं, पी वन ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ वन टाइप, पी टू ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेकंड टाइप, सो ऑन अप टू पी के ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ के टाइप, देन द टोटल नंबर ऑफ परमिटेशंस किसके बराबर बन, एंड द रेस्ट आर डिफरेंट, देन टोटल नंबर ऑफ परमिटेशंस किसके बनता है, पी वन फैक्टोरियल इंटू पी टू फैक्टोरियल इंटू पी थ्री फैक्टोरियल इंटू पी के फैक्टोरियल। यानी अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल 15 ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें 3 ऑब्जेक्ट्स एक टाइप के हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स एक टाइप के हैं, 4 ऑब्जेक्ट्स तीसरे टाइप के हैं और बाकी डिफरेंट है, तो फिर नंबर ऑफ परमिटेशंस क्या बनेगा, 15 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 15 ऑब्जेक्ट्स में 3 ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो एक ही टाइप के हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो दूसरे टाइप के हैं, 4 ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो तीसरे टाइप के और बाकी सारे डिफरेंट हैं, देन द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यही हमने कहा, अगर एन ऑब्जेक्ट्स टोटल है, पी वन ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ फर्स्ट काइंड, पी टू ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेकंड काइंड, सो ऑन एंड पी के ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ के टाइप, देन द टोटल नंबर ऑफ परमिटेशंस इज एन फैक्टोरियल बाय पी वन फैक्टोरियल इंटू पी टू फैक्टोरियल इंटू पी के फैक्टोरियल एंड सो। ठीक है, अब इसी पर एक क्वेश्चन में लेता हूं तो जो आपको ये क्लियर करेगा। क्वेश्चन यहां पर लिखा है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमिटेशंस बी अरेंज्ड। आप इस पर 5 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं। नंबर फर्स्ट इज ऑल द लेटर्स आर यूज्ड, नंबर सेकंड ऑल द वॉवल्स आर टुगेदर, नंबर थर्ड ऑल द वॉवल्स आर नेवर टुगेदर, फोर्थ इज द वर्ड स्टार्ट्स विद टी एंड एंड्स विद एस, एंड नंबर फिफ्थ देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन टी एंड एस। तो सॉल्यूशन हम सबसे पहले कैसे करेंगे, ये परम्यूटेशंस है, द वर्ड इज परम्यूटेशंस, पर म्यू टे शन परम्यूटेशन। आप देखो कितने लेटर्स हैं ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 लेटर्स नंबर ऑफ फर्स्ट पार्ट के लिए, नंबर ऑफ लेटर्स इसमें है 12। आप इसमें रिपीट कोई होता है, पी रिपीट नहीं होता है, ई नहीं होता है, आर नहीं होता है, एम रिपीट नहीं होता है, इसमें 2 टीज है, बाकी कुछ रिपीट नहीं होता है, इट कंटेन्स कंसिस्टेंस ऑफ 2 टीज, कंसिस्टेंस ऑफ 2 टीज, यानी इसमें 2 टीज एक ही टाइप के, 2 टीज। Therefore, total number of arrangements when all the letters are used. Therefore, total number of permutations कितनी बन? Permutations or arrangements? Permutations means arrangements. वो कितना बनेगा? वो बनेगा 12 factorial by 2 factorial. क्योंकि 2 T's है इसमें. ठीक है? हो गया पहला part. सेकेंड है इसमें ऑल द वॉवल आर टुगेदर, इसमें देखो पहले वॉवल कौन सा है, ई है इसमें, देयर इज ई, इसमें है यू भी है, ए भी है, आई भी है और ओ भी है, ए ई आई ओ यू, इसमें 5 वॉवल, ऑल द 5 वॉवल। ये कहता है ऐसे कितने अरेंजमेंट बनेंगे जिसमें सारे वॉवल्स एक साथ हो। तो हम क्या करते हैं, ये 5 वॉवल्स है, A, E, I, O, U, ये 5 वॉवल्स हम कंसिडर करते हैं 1 लेटर,
फॉर द टाइम बी, इट इज नॉट वन लेटर बट कंसिडर इट एज वन लेटर. बाकी कितने बचेंगे इस पे, ये पांच टोटल है 12, बाकी बचेंगे 7 और ये एक लेंगे एक, यानी 7+1 एक, ये जो ये यहां से इसमें से 5 निकाले 7 बच गई और ये वाला एक, तो ये बनेंगे टोटल 8 लेटर. यू हैव टू राइट कंसिडर द 5 लेटर्स एज वन लेटर, देन दैट नंबर ऑफ लेटर्स इज रिड्यूस्ड टू 7+1 दिस लेटर, देन दैट टोटल नंबर ऑफ लेटर्स विल बिकम 8. और इन 8 लेटर्स में क्या है, इसमें 2 टीज है, सो द टोटल नंबर ऑफ वेज व्हेन ऑल द वॉल्यूम्स आर टुगेदर, ये आपको लिखना है, आई एम नॉट राइटिंग हियर, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं. टोटल नंबर ऑफ लेटर्स व्हेन ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स व्हेन ऑल 5 वॉवेल्स आर टुगेदर. अभी नहीं, पहले मैं ये नहीं लिखूंगा, पहले मैं देखूंगा इसमें जब अगर हम 5 वॉवेल एक साथ रखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स बनेगा 8. देन टोटल नंबर ऑफ परमिटेशंस कितना बनेगा, वो बनेगा 8 फैक्टोरियल इंटू 4, 8 फैक्टोरियल बाय 12 फैक्टोरियल, क्योंकि जो ये 8 बने इसमें 2 टीज है. अब इसमें और एक चीज है, जो ये 5 ए ई आई ओ यू है, ये 4 लेटर्स है, ये आपस में अरेंज हो जाएंगे, कभी ए इधर, ई इधर, आई इधर, यानी दे कैन बी अरेंज्ड अमंग देमसेल्फ इन 5P5V. तो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच दीज 5 वॉवेल्स कैन बी अरेंज्ड, दैट इज 5P5Vs, इट इज कॉल्ड टू 5 फैक्टोरियल. ठीक है, यानी पहले हमने कहा अगर हम ये 4 लेटर्स 5 वॉवेल्स एक साथ रखेंगे देन द टोटल इज रिड्यूस्ड टू 8 विच कंटेन्स 2 टीज, देन द नंबर ऑफ लेटर्स इन दैट केस विल बी 8 फैक्टोरियल बाय 2. लेकिन इसमें जो ये वॉवेल्स हैं ये इंटरनली अरेंज हो जाएंगे. इंटरनली अरेंज का मतलब है, अगर ए ई आई ओ यू है ये बनेगा ए आई ओ ई यू, ऐसे बनेंगे बहुत सारे अरेंजमेंट, दैट इज 5P5 फैक्टोरियल, दैट इज 5 फैक्टोरियल. देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन दिस केस, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स या वर्ड्स इन दिस केस वो कितना बनेगा, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, दैट इज 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल. समझ आया क्या करना है, जो ये 5 वॉवेल्स है वी कंसिडर देम एज अ सिंगल लेटर, वो ये हो गया, देन द टोटल इज रिड्यूस्ड टू 8, यानी एक वो दो इस, ये 5 निकाले तो 7 रह गए, ये एक लेटर बन गए हो गए 8. तो जो ये 8 लेटर्स है इसमें क्या है, देयर आर 2 टीज, सो द नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन बी अरेंज्ड इज 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल. बट द 5 वॉवेल्स विच आर टुगेदर कैन बी इंटरनली अरेंज्ड अमंग देमसेल्व्स इन 5P5Vs, दैट इज 5 फैक्टोरियल. इंटरनली अरेंजमेंट होगा, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे, 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल. ये आप कैलकुलेट खुद कर सकते हैं. आप जो नंबर थर्ड है, ऑल वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर. ये कैसे करेंगे, वो आएगा टोटल नंबर ऑफ, हमने पहले वर्ड्स निकाले वो ये है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स ये बनेंगे, और वो वर्ड जिसमें दे आर टुगेदर वो ये आ गया. अब टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर वो क्या है, वो आएगा दिस माइनस दिस, दैट इज 12 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, माइनस इसमें क्या करेंगे 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल. यानी अगर आपको सिर्फ ये थर्ड पार्ट आएगा डायरेक्टली एग्जाम में, ये थर्ड पार्ट और फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन ऑल वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर, आपको पहले ये करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, फिर ये आएगा. पहले हमने निकाले टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने बन गए, 12 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल. फिर हमने निकाले वो लेटर जिसमें वॉवेल्स आर टुगेदर वो ये आ गया. अब वो वर्ड्स जिसमें वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर वो आएगा दिस माइनस दिस, और कैलकुलेट आप खुद कर सकते. ठीक है, हो गए ये 2 पार्ट्स. अब इसका तीसरा पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट इज नॉट ये फोर्थ पार्ट, थर्ड 3 हो गई, फोर्थ पार्ट इज द वर्ड स्टार्ट्स विद पी एंड एंड्स विद एस. जैसे ये है,
ये स्टार्ट हो गया पी से एंड हो गया एस से। ये सिर्फ ऐसा ही नहीं, जैसे मैं और एक लिखूंगा पी से स्टार्ट करूंगा, फिर लिखूंगा आर, फिर लिखूंगा एम, फिर लिखूंगा यू, फिर लिखूंगा ई, फिर लिखूंगा टी, फिर लिखूंगा ओ टी आई ओ एन, स्टार्ट विद पी एंड विद एस एस। इसका मतलब है जो पी है ये बिगनिंग पर फिक्स हो जाएगा और जो एस है ये लास्ट पर फिक्स हो जाएगा। ये फिक्स हो गई। आप इसमें कितने क्वेश्चन बचे? 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 10, 10 क्वेश्चन में इसमें दो टीज है, टू टीज है। सो द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच दे कैन बी अरेंज्ड इज, वो क्या आएगा, वो आएगा 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, फिर इसको कैलकुलेट करो, दैट्स योर आंसर। अब आया क्या मैंने बताया, क्योंकि ये इसमें क्या आता है, जो ये लेटर है स्टार्ट पी से होता है और एस से एंड होता है। सो यू हैव टू राइट सिंस द लेटर स्टार्ट पी, सो द फर्स्ट पी टेक्स द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द लेटर एंड्स विद एस, एस टेक्स द लास्ट क्वेश्चन। देन 10 क्वेश्चन इन बिटवीन पी एंड एस कैन बी फिल्ड बाय, कैन बी अरेंज्ड बाय द रिमेनिंग 10 लेटर्स विच कंटेन्स टू टीज इन हाउ मेनी वेज, 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल वेज। स्टार्ट में पी लिखेंगे, दिस कैन बी फिल्ड इन वन वे, एस लिखेंगे लास्ट पर, दिस कैन बी फिल्ड इन वन वे। जो फिर लास्ट वाले जो बीच वाले 10 से, इनको हम कैसे अरेंज करेंगे, इन 10 पे 2 टीज है, इनको हम अरेंज करेंगे 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, देन यू कैन कैलकुलेट दिस एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब है इसमें लास्ट पार्ट। देर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस, कुल कितनी क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। पहले मैं पी लिखता हूं, फिर एस कहां पर आएगा, 1, 2, 3, 4 एस आएगा यहां। अगर फिर मैं पी यहां लिखूंगा, एस कहां पर आएगा, एस आएगा सेवन। इसी तरह फिर 3 पर लिखूंगा, यानी जो पी का पी जो आएगा वो आ सकता है किस पर, 1, 2, 3, 4, 5 पर आएगा, 1 पर पी, यानी पी 1 पर, तो एस किस पर आएगा, एस आएगा, एस आएगा 6 पर, पहला ये बनेगा। पी 2 पर एस आएगा 7 पर, ठीक है, पी 3 पर एस आएगा 8 पर, पी 4 पर एस आएगा 9 पर, पी 5 पर एस आएगा 10 पर, पी 6 पर एस आएगा 11 पर। ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, 11 टोटल 12 है, 7 पर और एस आएगा 12। ये 12 वेज बनेंगे, यानी अगर हम पी पहले और एस बाद में, तो कितने वेज बनेंगे, 7 वेज, 1, 2, 3, 4 ये 5 पर और ये 10 पर। ठीक है, ये कितने वेज बने, 1, 2, 3, 4 ये मैं ऐसे लिखूंगा, पी 1 पर एस 6 पर, पी 2 पर एस 7 पर, पी 3 पर एस 8 पर, पी 4 पर एस 9 पर, पी 5 पर एस 10 पर, पी 6 पर एस 11 पर। ठीक है, पी 7 पर एस 12 पर, आप उसके बाद आगे नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम फिर 8 पर जाएंगे वो 13 आएंगे, 13 तो है नहीं। तो ये कितने वेज होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 वेज। तो ये हो गया जब हमने पी पहले लिखा बाद में एस लिखा, लेकिन यहां लिखा है पी और एस के बीच में, ये नहीं लिखा है कि पहले एस है फिर बाद में एस, पहले एस पी है फिर बाद में एस है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। इसका मतलब है पी और एस के बीच में, जैसे पहले पी आ गया फिर बाद में एस, इसी तरह अब क्या आएगा, पहले एस फिर पी, यानी देयर आर 7 वेज ऑफ राइटिंग पी एंड एस, एंड सिमिलरली देयर विल बी 7 वेज ऑफ राइटिंग एस एंड पी व्हेन देयर आर 4 लेटर्स बिटवीन देम, वो भी 7 बनेंगे। ये 7 आ गए, ये 7 कब आ गए, अगर पहले पी लिखेंगे और बाद में 7। इसी तरह और 7 कैसे आएंगे, अगर पहले एस लिखेंगे फिर पी लिखेंगे, तो ये टोटल कितने बनेंगे, 7 + 7 दैट इज 14 वेज। यानी पी एस और एस पी को लिखने के लिए हम हाउ मेनी वेज आर देयर, देयर आर 14 वेज ऑफ राइटिंग पी एस एंड एस वेज। ठीक है, अब देखो जब हम पी और एस लिखते हैं
फिर हमारे पास मानो ये एक ये है ई और एस, एक को कॉरेस्पॉन्ड पी यहां पर, एस यहां पर, आप कितने बाकी बचते हैं, बाकी बचते हैं एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस। ने जब पी और एस को फिक्स किया देन द रिमेनिंग टेन क्वेश्चन कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज, टेन फैक्टोरियल बाई टू फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल क्यों, बिकॉज इसमें दो टीज है, पी और एस को हमने फिक्स किया तो जो रिमेनिंग है इनको कैसे लिख सकते हैं, टेन फैक्टोरियल बाई टू फैक्टोरियल बिकॉज दैट कंटेन टू टी। सो बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये आपको लिखना होता है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स व्हेन फोर लेटर्स आर ऑलवेज बिटवीन पी एंड एस इसके बराबर आएगा, वो आएगा 14 इंटू 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, दैट्स द आंसर, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब गाय कैसे करना है आपको ये वाला क्वेश्चन फोर लेटर्स में, आप ऐसे लिखोगे ये समझाने के लिए, इफ पी टेक्स लेटर स्टार्ट विथ पी, पी टेक्स फर्स्ट क्वेश्चन, एस टेक्स द सेकंड सिक्स्थ क्वेश्चन, देन पी टेक्स सेकंड, एस टेक्स सेवन, पी टेक्स थर्ड, एस टेक्स एट, पी टेक्स फोर्थ, एस टेक्स टेन, पी टेक्स फाइव, एस टेक्स अलेवन, पी टेक्स सिक्स, एस टेक्स ट्वेल्व, वही मैंने यहाँ पर लिखे 1627 ये सेवन वेज है। इसी तरह फिर अगर हम पहले एस लिखेंगे और यहाँ पर पी लिखेंगे, एस पी पी पे 1627 और सेवन वेज बनेंगे, टोटल बनेंगे 14 वेज। ऐसे लिखने के लिए आपके पी और एस को हमने फिक्स किया, फिर जो द रिमेनिंग 10 क्वेश्चन कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज, दैट इज इन 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल क्यों, बिकॉज देयर आर टू टीज। तो ये थोड़ा सा लिखना है, सिर्फ ऐसे ही नहीं है, ये थोड़ा आपको लिखना है, दैट यू कैन डू एंड देन यू कैन कैलकुलेट दिस, देन बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। इज इज क्लियर? तो और एक क्वेश्चन मैं करता हूं आपके लिए, लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हाउ मेनी परमिटेशंस और अरेंजमेंट्स आर देयर इन द वर्ड मिसेस पी व्हेन द फोर आईज आर टुगेदर, यानी चार आईज कब इसमें एक साथ रहे, ऐसा दूसरा भी बन सकता है व्हेन फोर आईज आर नॉट टुगेदर, वो आप खुद दे सकते हैं। इसमें लिखा है ये वर्ड मिसेस पी है, एम आई एस एस आई डबल एस आई पी पी आई, मिसेस पी में क्या है, जो ये फोर आईज है दे शुड बी ऑलवेज टुगेदर, ये क्वेश्चन है। नंबर ऑफ परमिटेशंस पे कितना बनेंगे, मिसेस पी में कितने लेटर्स है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह, अलेवन लेटर्स। इसमें देखो एक आई कितने, एक दो तीन चार फोर आई, इसमें एस एक दो तीन चार एसेस और पीज टू पीज, दस तो यही हो गए और एक एम है इसमें। तो अगर आपको लिखना होगा टोटल नंबर ऑफ लेटर, इसमें कितने लेटर्स बनेंगे टोटल, वो क्वेश्चन में नहीं है, वैसे कितने बनेंगे टोटल नंबर्स, फोर फैक्टोरियल अलेवन फैक्टोरियल बाय फोर फैक्टोरियल इंटू फोर फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल, अगर आपको होगा वॉट इज द टोटल नंबर ऑफ लेटर्स यूजिंग द लेटर्स ऑफ वर्ड मिसेस पी, वो बनेगा 11 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें जो मेन है, इसमें जो क्वेश्चन है ये, अब चलो ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है कि जो ये फोर आईज है इसमें वो एक साथ आने के, अभी जैसे हमने किया लेट अस टेक द फोर आईज एज वन लेटर, फोर आईज 1 2 3 4, दिस इज फोर आईज, ये टोटल कितने है, टोटल 11 है, 11 में से 4 निकालेंगे कितने रहेंगे 7, और ये एक रहेगा 8। टेक द फोर आईज एज द वन सिंगल लेटर देन द टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इज रिड्यूस्ड टू 8। इस 8 में आप क्या होगा, 8 में होगा 4 एसेस एंड 2 पीस, यानी अगर आपको चार आईज एक साथ लेने हैं कंसीडर देम एज वन लेटर देन द टोटल इज रिड्यूस्ड टू 8। 8 कैसे, चार निकालेंगे ये रहेंगे 7 और ये एक बनेगा 8, और इन 8 लेटर्स में क्या है 4 एसेस एंड 2 पीस, देन द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स वो कितना बनेगा, वो बनेगा 8 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, दैट इज द आंसर, दिस इज द आंसर व्हेन द फोर आईज आर टुगेदर। अब इसमें इंटरनल नहीं हो जाएगा क्योंकि ये आईज सारी है, अगर ये डिफरेंट होते जैसे अभी हमने किसमें किया था परमुटेशन में, उसमें वो जो हमने वॉवल्स लिए थे उसमें फिर इंटरनल आया था 5 फैक्टोरियल, इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये सारे एक जैसे, आए यहां लिखो या यहां लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसमें इंटरनल नहीं आएगा। सो द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म व्हेन द फोर आईज आर टुगेदर इज 4 फैक्टोरियल टू 2 फैक्टोरियल। अगर अब मैं थर्ड लिखूंगा
जब फोर आईज आर नेवर टुगेदर, फोर आईज और ऑल फोर आईज आर नेवर टुगेदर, नेवर टुगेदर, वो क्या बनेगा? आई जैसे भी अभी हमने किया, टोटल ये बन गया, ये हो गए कितने, जिसमें फोर आईज आर टुगेदर, देन द नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच फोर आईज आर नॉट टुगेदर, दैट इज 11 फैक्टोरियल, इन दिस माइनस दिस, दैट इज 11 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दैट कंप्लीट्स द स्ट्रक्चर. इज दिस क्लियर? दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे. थैंक यू.